नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। नवरात्रे का दूसरा दिन है, सुबह की पूजा पाठ सारा काम हो चुका है। कपड़े धो के मैं फैला रही हूँ अब, और टाइम वही हो जाता है। अब भी रूही का पेपर था आज, तो रूही चली गई थी। और मैं सही में बताऊँ तो मैंने आज पूजा जो है वो बाद में की, क्योंकि बच्चों की फिर भाग दौड़ में मैंने कहा आराम से पूजा मैं बाद में करूँगी। और आज मैंने ना नई साड़ी डाल ली है, ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, ये मतलब श्राद्धों से पहले ये तैयार हो गई थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनको नवरात्रों में डाल लूँगी। और पहले नवरात्रे को भी मैं सोच रही थी कि साड़ी डाल लूँगी, लेकिन उस दिन मतलब पहले दिन जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है काम, तो इसलिए फिर मैंने साड़ी नहीं डाल ली थी, सूट ही डाला था मैंने। तो जी देखिए, बस यहाँ पे कपड़े धो लिए थे मैंने और उनको फैला रही हूँ, तो मतलब सुबह का काम मैंने निपटा लिया है। इसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो मतलब पूजा पाठ करके मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, मोस्टली मैं नहीं खाती कुछ भी व्रत में, मेरा मन नहीं करता खाने का। पहले व्रत वाले दिन तो मतलब थोड़ी सी मुझे वीकनेस फील होती है, लेकिन उससे आगे आगे तो फिर मैं मतलब कर लेती हूँ कवर, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले दिन थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। तो चाय बन गई है जी देखिए, और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। और वैक्सीन लगवाई थी मैंने पहले नवरात्रे वाले दिन ही, तो उसका असर जो है अभी चल रहा है। चल क्या रहा है, मतलब रात के टाइम तो मुझे भी फीवर हुआ, कृष्णा के डैडी को भी फीवर हुआ था, तो पर ये है कि चलिए फिर भी दवाई वगैरह लेके काम चल रहा है। तो जी मैंने दोपहर वगैरह का सारा काम कर लिया है, खाना बना लिया था सब कुछ करके। ये है शाम का टाइम, क्योंकि बीच में फिर मैंने रेस्ट किया थोड़ा सा। और ये साड़ी है मेरी, आप सबकी फेवरेट साड़ी है ये, तो लेकिन इसमें क्या हो रखा है, जो इसकी लेस है ना, ये इसमें गोटा लगा हुआ था और इसकी लेस ख़राब हो गई थी। कई जगह से जो गोटा था इसका लगा हुआ लेस में, वो ख़राब हो गया था और जो लेस है वो इकट्ठी हो गई, तो इसकी वजह से साड़ी जो है वो बंध नहीं पा रही थी। तो मैं सही में बताऊँ तो फिर दोपहर के टाइम जो है कृष्णा के डैडी और मैं लेके आए थे लेस, तो ये बोल भी रहे थे कि इंदु मैं लगा दूंगा, लेकिन आजकल जो है वो थोड़े से बिजी चल रहे हैं। थोड़े से क्या, बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो। घर में सिर्फ सुबह चले जाते हैं 8:30 बजे, मतलब बच्चों को लेके चले जाते हैं, उसके बाद वो दोपहर को 2 बजे खाना खाने आते हैं, खाना खाते ही वो साथ के साथ चले जाते हैं, और रात को आते हैं फिर वो 9 9:30 बज जाते हैं अब उनको। तो ये उनका रूटीन है, और उनकी गैर मौजूदगी में सारा कुछ मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है। तो बस देखिए, यहाँ पे जो पुरानी लेस थी वो मैंने उतार दी है, और लेस के अलावा साथ साथ जो साड़ी की फॉल थी ना वो भी मैंने उतार दी है। मतलब वो उतारनी ही थी, क्योंकि जो लेस है वो साड़ी फॉल के अंदर तक लगी हुई थी, और जब वो सिलाई खुली तो उसके साथ साथ फिर लेस साड़ी उसकी फॉल की भी साड़ी सिलाई खुल गई। तो देखिए यहाँ पे ये पिंक मरजेंटा सा कलर है, ये इस कलर की मैंने ली है ये लेस। धागे का काम है इस लेस पे, काम नहीं बोल सकते, ये लेस ही धागे के वर्क की है, और मतलब इसके फिरोजी कलर के साथ इसका मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा था। तो जो लेस है वो मैंने पीयू के डैडी को देखा था लगाते हुए, जब उन्होंने मेरी पहली साड़ी तैयार की थी ना, तो तब मैंने उनको लगाते हुए देखा था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए मैं आज खुद ही ट्राई करती हूँ। और सही में मैं बताऊँ तो जैसे बच्चे नहीं होते घर में या ये चले जाते हैं अपने बुटीक पे, तो मेरा जो का टाइम है वो ऐसे ही निकलता है। दोपहर में मुझे नींद नहीं आती तो मतलब कृष्णा को सुला के फिर मैं अपने काम पे खड़ी हो जाती हूँ जो भी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने किनारे से, वहाँ से मैंने इसमें फॉल लगानी शुरू किया, जिधर से पल्ला होता है ना ऊपर का, सेम वैसे ही मैंने कोशिश किया जैसे उन्होंने लगाई। तो पल्ले की साइड जहाँ से मैंने फॉल सॉरी लेस खोली थी, तो वहीं से ही मैंने उसको लगाया, और मेरे से जो किनारे हैं वो वैसे नहीं बने जैसे कि बनते हैं ये बनाते हैं। तो मैंने तो बस जहाँ तक वो किनारा था वहाँ तक काट के उसको फोल्ड करके फिर नया शुरू किया। तो बस ये है कि मैं काम चला लेती हूँ, कर लेती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं इस चक्कर में नहीं रहती कि परफेक्ट हो रहा या ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। मेरा सिर्फ मोटिव होता है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसे अपने मन से करूँ, पूरी लगन से करूँ। और ये बात है भी, जब आप किसी चीज़ को करने की ठान ले तो चाहे जितना मर्जी दिक्कत आए, जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, तो वो काम आप करके ही रहते हैं। मेरा तो यही है कि अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं उसको करूँगी ही, ये नहीं कि कोई गलत काम करने की मैंने जिद पकड़ लिया, लेकिन सही भी काम है तो ये मेरा रहता है। और मैं आप लोगों को भी हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। अगर आपका मन है करने का उस चीज़ को, तो जितनी मर्जी मुश्किल आए, जितनी मर्जी दिक्कत आए, आप उसको कर लेंगे। तो मैं सही में बताऊँ, मैंने कभी सिलाई नहीं सीखी है, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत आता है वो सिर्फ कृष्णा के डैडी को देख के ही मैंने सीखा है, और भगवान की दुआ से अब मैं इतना कर लेती हूँ कि सिलाई जो है वो सीधी मैं लगा लेती हूँ बिल्कुल। तो कोशिश की तभी मेरे से हुआ, और अगर मैं ये सोचती कि नहीं मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो नहीं होना था।
तो देखिए जी, मैंने यहाँ पे चारों तरफ इसकी लगा ली है, और मतलब इसको लगाते ही साड़ी का ना ग्रेस बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल लुक चेंज होगी ये लेस लगाते ही। और साथ के साथ ही बस मैंने जो फॉल उतारी थी, उतर गई थी मतलब, उसको भी मैंने दोबारा लगाया है, और मशीन से ही मैंने सेम कलर से सिलाई लगा दी है फॉल पे भी। तो देखिए मेरी साड़ी हो गई है तैयार, और आप खुद बताइए कि बताइए साड़ी की ग्रेस कितनी अच्छी आ रही है, एक सिर्फ फॉल चेंज की है। तो देखिए बस, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आप करना चाहते हैं और आपका मन है तो कीजिए, कोई नहीं रोक सकता आपको फिर उस चीज़ को करने से, जो मन से करते हैं काम, उस चीज़ को सफल होने से या पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए मेरी साड़ी हो गई है तैयार, और बिल्कुल गेटअप चेंज हो गया है। बताइएगा ज़रूर मुझे कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो जी साड़ी हो गई है रेडी, और साड़ी के साथ की फुल ब्लाउज पे भी लगी हुई थी तो उसको भी मैंने उतार दिया है। और मैं सही में बताऊँ, मुझे चमक दमक वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं है, वर्क हो या कुछ हो। और अब तो ये पुराना हो गया था वैसे भी। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी और ब्लाउज दोनों तैयार कर लिए हैं, और कल को यानी कि तीसरे नवरात्रे को मैं इसी को ही डाल लूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे फिर मैंने कपड़े वगैरह बदले हैं, मुँह हाथ धो के शाम की पूजा कर रही हूँ मैं, और मेरे बच्चे तीनों लगे हुए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ उसमें मैं बच्चों को अपने शामिल करूँ। हमारी दोनों की कोशिश रहती है, पीयू के डैडी की भी और मेरी भी, कि बच्चे हर चीज़ सीखे, चाहे वो कुछ भी काम है, हमारा जो सिलाई का काम है वो, या घर का काम कुछ भी है, तो हमारे बच्चे वो सीखे। तो जी देखिए, पूजा पाठ करके यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, और आज मैं बना रही हूँ साबूदाना और आलू की टिक्की। तो व्रत के लिए मैं बना रही हूँ, और इसके लिए जो साबूदाना है वो मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था 3-4 घंटे पहले। तो देखिए यहाँ पे आलू उबाल लिए थे मैंने, और आलूओं को छील लूँगी मैं। तो सारे आलू मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि व्रत का खाना जो है मैं ही खाती हूँ, बच्चे खाना ही खाएंगे, बीच बीच में वो ले लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू जो है सारे ही कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसके साथ मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी मूंगफलियाँ, और आज मैं मूंगफलियों को पीस के डाल लूंगी। तो मूंगफलियों के साथ साथ मैंने इसमें 5-7 बादाम भी डाले हैं, और क्योंकि दिन भर मैं कुछ खास नहीं खा पाती, तो मेरी कोशिश रहती है कि शाम को जो मैं खाऊं तो उसमें मुझे थोड़ी एनर्जी मिले, जो शरीर में वीकनेस वगैरह मुझे फील ना हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मूंगफली और बादाम लिए हैं। मूंगफली का छिलका मैंने उतार लिया है, और हरी मिर्च ले ली है मैंने, 5 से 7 हरी मिर्च है, ये बादाम और मूंगफली है। तो आज इनको मैंने पीस लिया है, मिक्सी में बारीक कर लिया है, और आलू जितने मुझे ज़रूरी थे उतने मैंने ले लिए हैं, उसके अंदर मैंने बादाम मूंगफली और हरी मिर्च को ऐड कर दिया है। और ये देखिए ये है साबूदाना, तो इसको भी मैंने बहुत देर पहले भिगो के रख दिया था। जैसा कि मैंने 1 कटोरी पानी ली, वो सॉरी साबूदाना लिया था, उसमें मैंने धो के अच्छी तरह आधा कटोरी मैंने पानी डाल के उसको भिगो के रख दिया था। तो इससे क्या होता है कि जो साबूदाना है वो खिला खिला रहता है, चिपचिपा नहीं होता। और बस उसमें ऊपर से नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करके अब मैं इनकी बना लेंगी वो जो टिक्की होती है ना, पिट्ठी बोल सकते हैं, टिक्की बोल सकते हैं आप वो। तो इनको मैं कर रही हूँ तेल में फ्राई, तो तेल मैंने थोड़ा ही लिया है, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। और आप ये ध्यान रखिए कि जब आप इन्हें पलटे, कम आँच पे इनको सेके, सबसे पहली बात तो पलटिए तब जब ये एक साइड से पूरे अच्छी तरीके से सिक गए हों। अगर आप इनको मतलब एक साइड से कम सिके हैं और पलट दिया है, तो उसका ये होगा कि ये खिल सी जाएंगे। तो अगर आप इनको वैसे पलटेंगे तो ये मतलब बिखर सी जाएंगे, फैल जाएंगे। तो देखिए हमारी हो गई है सारी तैयार ये टिक्की, और इसके बाद मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे। तो प्यूअर बोल रही थी कि मम्मा आलू हैं तो आप पराठे बना दीजिए, और पनीर रखा हुआ था तो मैंने पनीर भी कद्दूकस कर लिया है, साथ में उसमें नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और मिक्स करके ये देखिए हमारा हो गया है तैयार मसाला। और बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ साथ के साथ पराठे। तो पराठों का आपको मेरा पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये है कि मैं अपने साथ साथ बच्चों की भी सेहत का ख्याल रख रही हूँ। पनीर मैंने इसीलिए डाला है कि मतलब थोड़ा सा हेल्दी हो जाए खाना जो है, और इसको बाद में मलाई के साथ या दही के साथ खा लेंगे। तो पराठे आपको पता ही है कि मेरे फूलते हैं जब भी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये खाने लगे हैं खाना, पीयू के डैडी भी आ गए थे, 9 बज गए होंगे मुझे खाना बनाने में, और ये बन गए हैं सारे पराठे। तो देखिए मेरा लास्ट पराठा भी कितना फुल्ला फुल्ला बन रहा है। और इसके बाद जो है अच्छी तरीके से हाथ मुंह धो के फिर मैं खाने लगी हूँ खुद से, दही के साथ मैं इन्हें खा रही हूँ। सच में इतनी टेस्टी, इतनी क्रिस्पी ये बनी थी ना जो टिक्की थी, बहुत ही टेस्टी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के। उसके बाद मैंने किया है अपना किचन का सारा काम जो रह गया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो
तो दोस्तों आजकल देखा होगा मैं व्लॉग में बहुत कम आता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सीजन का टाइम चल रहा है और मैं रहता हूँ बिजी। तो ऐसे में क्या होता है कि सुबह चला जाता हूँ, फिर खाना खाने आऊँगा फटाफट और फिर चला जाऊँगा। तो मुझे कई काम होते हैं ऐसे जो कि बहुत ज़रूरी करने पड़ते हैं। और इंदु का पूरा दिन का रूटीन जो होता है, मैं आके पूछता हूँ आज क्या किया कैसे किया, और अभी वो रसोई में लगी हुई। इंदु हुआ नहीं क्या काम है? अब दूध गर्म कर रही है, फिर उसके बाद ये फ्री होंगे, फिर हम धोएंगे सभी मिलके पैर, क्योंकि पैर ना सूज जाते हैं शाम तक, थक के दर्द हो जाता है। पैरों से तो कुछ हो ही ना, गर्म पानी लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने वो भी काम कर दिया जो लेस ला रखी थी, साड़ी लगा दी। और आप क्या सोच रहे थे, आप ही कर सको इतना तो मैं सीख गई। आप पड़ी जी के सोफे पर देखी नहीं आप? मैंने इतनी बढ़िया तो लगी नहीं जितनी आप लगा लो। बढ़िया तो लगा रखी है, साफ सुथरी, सच में तो नहीं लगाई है। और यहाँ कोई और थोड़ा ही ना है, आपको भी पता है लेकिन अब ग्रेस आ गई भाई साड़ी, ये अलग सी हो गई है ना, अलग ही कलर। पर देख मैंने ना बाद में ध्यान दिया, जैसे ये पर्पल कलर था, तो अगर ये वाली लेस लगाते नहीं पर्पल नहीं इतनी अच्छी, पर्पल डल है इसमें भी ना। मैं ये सोच रही थी मैं कहीं उतार दूं, मेरे को उतरे नहीं है पैच से, ये तो कढ़ाई से लगेंगे, ये नहीं उतरेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये क्या क्या काम करती रहे, मतलब लगी रहेगी। और ये मुझे भी कह सके थी, लेकिन इसने सोचा कि अगर इन्हें कहूंगी तो वहां से तो आली साड़ी के नहीं, असल में ये भी आजकल बिजी चल रही थोड़ा सा, हाँ, तो काम का जैसे पूरी होगी थी साड़ी में ना, कम रहेगी। कितनी कम रही? बहुत सारी, तो वो भी जाएगी। चलो खैर कोई बात नहीं, बढ़िया लगी, फर्स्ट क्लास लगी। और ऐसे ऐसे और ये अलग सी होगी अब साड़ी में। और बताऊँ मैं ये क्या क्या करती रहे, ये जो है ना इसके ये भी इसने अपने आप यहाँ ये मोती अपने आप लगा रखे हैं यहाँ पर ना, सिंपल चूड़ी लेके, सिंपल नहीं है, पुरानी मेटल की चूड़ियाँ थी। अच्छा, उन पर मैंने धागा लपेट के, फिर धागा ये वो है रेशम का धागा है जो ब्लैक है, ये साइडों में धागा जो है, हाँ पहले धागा लपेट रखा फिर ऊपर ये स्टोन चिपका रखे मैंने। इतना अड़कल सी काम है ना सच में ये तेरे। चलो जी खैर पूरे दिन इस तरीके से अपना टाइम भी पास हो जाता है और काम भी हो जाता है, और अपनी दिनचर्या के बारे में आपसे शेयर भी कर लेती है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल सभी को छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए, बिल्ले बैठ के एक कहते हैं ना बिल्ला बैठना शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर, तो कुछ ना कुछ फिर वहाँ चलो ही जाएगा उल्टा सीधा। तो इसलिए अपने काम में व्यस्त रहें और बिजी रहें तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है और एक अलग ही आनंद आता है। इनकी तो ना जो दूसरी बनाऊंगी मैं जल्दी सोच रही किसी साड़ी के साथ के बनाऊंगी, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बनाने की ना मैंने कैसे बनाई चूड़ियाँ, सुंदर लग रही ना, अच्छी लग रही है। जो ये तो जब ये तो बनाई हुई थी मेरी कल से, तुमने कब बनाई थी? काफी टाइम ये हो। इसकी जो सही में इसकी जो वीडियो है ना इनके बनाने की, इंदु नीरज की दुनिया पे है, जब मैंने उस पे काम शुरू करा था ना तब मैंने बनाई थी ये। तो ऐसे ऐसे आइडिया से तो मेरे दिमाग में आते रहे, मुझे ना अगर लेस का टुकड़ा मिल गया तो बस मैं ही सोच जाऊंगी इसका मैं क्या कर सकूं, इसका मैं क्या कर सकूं, फिर कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाए। जब जिस तरफ दिमाग दौड़ेगा खुरापाती दिमाग है इसका ना, खुरापाती तो सही लेकिन, जगह ना। लेकिन फिर भी ठीक है, खुरापाती नहीं कह सकते इसको, एक अच्छी चीज़ है कोई घर के लिए करना तो खुरापाती तो होता नहीं, ये तो एक मजाक वाली बात है। तो जी इस तरीके की हमारी ये दिनचर्या है, आप देख रहे होंगे मैं तो सुबह चला जाता हूँ शाम को आता हूँ, और ये सारा काम भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, ट्यूशन बच्चों को छोड़ना लाना सारे टेंशन अब फिलहाल इसने ले रखी है। ये करवे तक करवे के बाद तुझे काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। अच्छा चलो, जब भी काम भी जरूरी है जी, क्योंकि करवे के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। ये पानी हो गया होगा, चलो पैर भी होगा, हाँ पैर धो लेते हैं फिर दर्द थोड़ा सा। सुबह कोई सही पहन लूंगी मैं, हाँ ठीक है सुबह। चलो जी पहले
बाय 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 राधे 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 जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता।